नमस्कार, एसीपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा। चलिए आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त के कुछ खास सुर्खियों पर। अदालत ने मासूम की मौत पर मांगा जवाब। आरक्षण पर संसद में छिड़ा सियासी संग्राम। SC ST एक्ट में बिना जांच तुरंत गिरफ्तारी। कोरियाई फिल्म पैरासाइट ने रचा इतिहास। हरियाणा में खुलेंगे 3 नए मेडिकल कॉलेज। दिल्ली में बजा आपका डंका। दिल्ली की राजनीति में बजा आपका डंका। 8 फरवरी को हुए मतदान के बाद 11 फरवरी को जो परिणाम सामने आए उसने एक बार फिर आम आदमी पार्टी को जीत की सौगात दे दी है। अब तक आए रुझानों के मुताबिक 63 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं बीजेपी 7 सीटों पर आगे चल रही है और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। हम यह कह सकते हैं कि अब तक आए रुझान कहीं ना कहीं परिणामों में तब्दील हो जाएंगे। इन परिणामों ने दिल्ली सरकार के कामों पर जीत की मोहर लगा दी है। अब खबरें विस्तार से। शाहीन बाग में प्रदर्शन के लिए मां के साथ लाए गए 4 माह के बच्चे की ठंड से मौत हो गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस SA बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। शाहीन बाग को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर शाहीन बाग में पिछले 58 दिन से धरना चल रहा है और इन 58 दिनों के दौरान दिल्ली में चुनाव हो रहा था, लेकिन अब चुनाव खत्म हो गए हैं और अब शायद शाहीन बाग का अंत भी शायद हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को हटाने को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है और इस पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर इतने लंबे समय तक धरना देना ठीक बात नहीं है, इससे लोगों को तकलीफ हो रही है, आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, स्कूल और अस्पतालों की जो दिक्कतें हैं वो बंद हो रही है, दुकानें बंद हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो है अब शाहीन बाग का प्रदर्शन खुलना चाहिए, वहाँ पर रास्ता खुलना चाहिए, किसी भी सार्वजनिक स्थल को ऐसे बंधक नहीं बनाया जा सकता। वहीं जो शाहीन बाग की महिलाएं हैं, उनके जो वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि उनके जो बच्चे हैं, उनके बच्चों को स्कूलों में पाकिस्तानी कहा जाता है, अगर हम ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हमारे लिए हमारे बच्चों का क्या फ्यूचर होगा। आपको ये भी बता दें, जो शाहीन बाग है वहाँ पर पिछले कुछ दिनों में ही 4 महीने के एक बच्चे की मौत हो गई थी, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। अब देखना ये होगा कि सरकार अब दिल्ली में चुनाव की जो सरकार उभर कर आएगी, क्या वो ये जो प्रदर्शन है वो हट जाएंगे या फिर इस नागरिकता संशोधन के खिलाफ ये प्रदर्शन जारी रहेगा। कैमरामैन आदिल के साथ मैं रविंदर, ACP न्यूज़ पानीपत। पदोन्नति में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर विपक्ष ने संसद में जमकर हंगामा किया। विपक्ष का कहना है कि आरक्षण के खिलाफ सरकार ने साजिश रची है। वहीं सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस मामले से केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है। आरक्षण के मामले में एक बार फिर घेरे में केंद्र सरकार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संसद में हुए आरक्षण पर हंगामे में, जिसमें कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार को घेर लिया है और उसकी मंशा पर सवाल उठाए हैं। दरअसल मामला उत्तराखंड के एक केस का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि अब प्रमोशन में यानी कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं देखा जाएगा। इसी बात पे कांग्रेस ने फिर एक बार केंद्र सरकार को घेर लिया है कि इनकी मंशा आरक्षण को खत्म करने की है। आइए जानते हैं इसी पर युवाओं की राय कि वो क्या कहते हैं कि इस मुद्दे को बार बार संसद में उठाना कितना सही है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम? रोहित। रोहित, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे संसद में एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा फिर से तेजी पकड़ रहा है, कांग्रेस फिर से कह रही है कि केंद्र सरकार की मंशा सही नहीं है, वो आरक्षण को ख़त्म करना चाहती हैं, अगर युवा की नज़र देखें तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं युवा की नज़र से ये कहना चाहता हूँ कि ये
बार बार टॉपिक एक ही टॉपिक उठाना तो गलत बात है, क्यों इससे टाइम वेस्ट होता है और कुछ सालों बाद सरकार चेंज हो जाती है, फिर नई सरकार आती है तो फिर से वही टॉपिक चलते हैं। मेन मोटिव है अगर ये उठाए इस टॉपिक को तो इसको सॉल्यूशन निकाले इसका फटाफट जल्दी से, ताकि आगे वाली आने वाली जनरेशन में इसका इफेक्ट पड़े। अगर कांग्रेस को, क्योंकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है एक मामले में जो बहुत लंबे समय से लटका हुआ था, तो कितनी हम एक विपक्ष की भूमिका देखें कि उसी मुद्दे को बार बार उठाना, किसी भी फैसले पर केंद्र सरकार को बीच में डाल देना, कितना सही है? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये उठाया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये पॉलिटिशियन सारे आपस में मिले हुए हैं और ये अपने फ़ायदे के लिए उठा रहे हैं सिर्फ ये मुद्दा, ताकि करप्शन के थ्रू अपने पैसे कमा सके और जो पब्लिक है उसको लूट सके। धन्यवाद। जैसे कि हमारे साथ जुड़े रोहित ने कहा कि इस मामले को बार बार उठाना कहीं ना कहीं देश का भी समय व्यर्थ कर रहा है और संसद का भी बहुत महत्वपूर्ण समय व्यर्थ कर रहा है, इसीलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और विपक्ष को भी सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले पर सवाल उठाने से पहले कई बार सोचना चाहिए। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं रूपल, ACP न्यूज़ पानीपत। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति जनजाति संशोधन कानून 2018 की वैधता बरकरार रखते हुए केंद्र सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है। इस कानून के तहत अगर किसी के खिलाफ SC ST एक्ट में केस दर्ज होता है तो बिना जांच के उसकी तुरंत गिरफ्तारी होगी। SC ST एक्ट पर नया फैसला, जांच के बिना तुरंत होगी गिरफ्तारी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एक्ट को लेकर नया फैसला सुनाया है जो कि केंद्र सरकार के फैसले पर मोहर लगाने वाला है। इसमें SC ST एक्ट में जो आरोपी है उनके खिलाफ ना कोई मामला दर्ज किया जाएगा और ना ही उसकी जाँच की जाएगी और ना ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की परमिशन की जरूरत समझी जाएगी। आपको बता दें कि जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा है कि इसमें तुरंत गिरफ्तारी कर ली जाएगी, ना ही इसमें अग्रिम जमानत का प्रावधान दिया गया है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी मामला होगा अगर कोई बड़ा ना दिखाई दिया तो उस FIR को रद्द भी कर दिया जाएगा। इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर बात करते हैं RAPG कॉलेज के किसी छात्रा से, उनका इस मामले में क्या मानना है? आपका नाम? मेरा नाम अनु है। तो जो SC ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नया फैसला सुनाया, आपके उस बारे में क्या विचार? SC ST एक्ट को लेकर जो भी सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला आया वो एकदम सही आया है। ये फैसला सरकार ने समाज में भाईचारे की भावना को फैलाते हुए लिया है। इससे क्या होगा, जो जातियों के बीच भेदभाव है वो कम हो जाएगा। तो मेरा यही मानना है कि जो ये फैसला आया एकदम सही आया है। जैसा कि बात की हमने छात्रा से, उनका मानना है कि SC ST एक्ट को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला है वो भाईचारे की भावना को बढ़ावा देगा। फिल्मी दुनिया के प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड में दक्षिण कोरिया की फिल्म पैरासाइट ने इतिहास रच दिया। 92 साल के इतिहास में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीतने वाली यह पहली गैर अंग्रेजी फिल्म बन गई है। गैर अंग्रेजी भाषी कोरियाई फिल्म पैरासाइट ने जीता बेस्ट फिल्म अवार्ड। फिल्मी दुनिया के ओस्कर अवार्ड्स में दक्षिण कोरिया की फिल्म पैरासाइट ने इतिहास रच दिया है। 92 साल के इतिहास में पहली बार बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीतने वाली यह पहली गैर अंग्रेजी फिल्म बन गई है। इसी के साथ फिल्म को 3 अवार्ड और भी मिले, जिसमें बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले और बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड शामिल है। फिल्म पैरासाइट में समाज में फैली अमीरी गरीबी की खाई पर प्रकाश डाला गया है। हरियाणा के यमुनानगर, कैथल और सिरसा में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इन पर करीब 1,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी दे दी है और 2023 तक कॉलेजों का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। हरियाणा को एक और बड़ी सौगात, 1,000 करोड़ की लागत से खोले जाएंगे 3 नए मेडिकल कॉलेज। हरियाणा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि केंद्र सरकार व मनोहर सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। हरियाणा में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। ये कॉलेज सिरसा, कैथल व यमुनानगर में खोले जाएंगे। इनको 20 एकड़ भूमि व 200 बिस्तरों वाले जिला अस्पतालों में बनाया जाएगा व इनमें डॉक्टरों की उपलब्धता अधिक से अधिक होगी। हरियाणा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि इन मेडिकल कॉलेजों को खोलने के बाद उनके द्वारा खोले गए मेडिकल कॉलेजों की संख्या 13 हो जाएगी। कैमरा पर्सन आदिल के साथ मैं अभिषेक, ACP न्यूज़ पानीपत। अभी तक के लिए इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ACP न्यूज़। धन्यवाद।